नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं जा रही हूँ प्रयागराज। तो मैंने सुबह जो है मौका ही नहीं पाया था आप लोग से बात करने के लिए, तो हमने सोचा चलो ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप लोगों से बात कर लेंगे, वॉइस ओवर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने वाला है एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली जो है हमें छोड़ने के लिए, मतलब हमारे बच्चे, हमारे पति, सबको छोड़ने के लिए कार तक आई थी। फिर उसके बाद जो है वो लोग चले गए, हम इस रास्ते से चले गए, वो लोग वापस चले गए घर। तो दोस्तों, पहली बार जो है मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि हर बार तो जाते हैं इलाहाबाद ही निकलता है, तो इतना नहीं होता जितना आज हो रहा है। क्यों हो रहा है चलो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे बाबा जी हैं यानी अजिया ससुर जी हैं, वो जो है बच्चों के लिए रोने लगे। तो होता है ना, अगर काफ़ी दिन हम रुक भी गए थे, करीब जो है 5-6 महीने तक हम रुक गए थे, तो बच्चों से बहुत लगाव हो गया था और कोई दूसरा बच्चा है भी नहीं हमारे घर में। हम अपने फैमिली में सबसे बड़े हैं यानी बहू में सबसे बड़े, बहू हम ही हैं, तो कोई और बच्चा है ही नहीं, तो यही हमारे दो ही बच्चे। बहुत प्यार करते हमारे बच्चों से, इसलिए जब ये लोग आने लगे तो सबका जो है दिल बहुत ही उदास था। कोई खुश नहीं था कि जो है चले जाएं बच्चों को लेके, लेकिन क्या करें, हमें आना भी था। काफ़ी दिन हो गए थे, इनके पापा बोले कि चलो अब तुम लोग प्रयागराज, तो इसलिए जो है हमें निकलना पड़ा। लेकिन अजीब लग रहा था दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ रहना शुरू कर दो फिर अकेले रहना शुरू करो तो आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत होती होगी ना। ऐसा मुझे भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी हमारे छोटे छोटे ही हैं और अब तो हमी को देखना पड़ेगा। घर पे थे तो मम्मी देखती थी, पापा देखते थे, बाबा हैं, चाचा जी हैं, यानी सभी लोग थे। तो फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग को पता ही है, हमने अपने पूरे परिवार से आप लोग को मिलाया भी है, तो आप लोग को पता ही है कि हमारे फैमिली में सभी लोग जो है हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो बच्चे भी परिवार के साथ सारा दिन जो है खेलते रहते थे, हमारे पास वही आते थे जब जैसे दूध पीना हुआ या फिर खाना हुआ या फिर कोई नाश्ता करना हुआ, मम्मी ये बना दो, जान भी बोलती थी, तो वही जो है हमारे बच्चे दोनों हमारे पास ही आते थे। बाकी सारा दिन जो है परिवार के साथ ही रहते थे। हमारी जान भी जो है इनकी मस्ती तो चालू है, अपने खिलौने के साथ जो है बैठी हुई हैं, खेल रही हैं। तो बोली मम्मा देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, मम्मा देखो। तो मैंने कहा चलो भैया तुम्हारा भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और अब आप लोग को दिखाएंगी अपने खिलौने को। दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो देखोगे कैसे कि हमने अपने ब्लॉग में जो है क्या क्या आप लोग के साथ शेयर किया है। तो उम्मीद तो हमारी यही रहती है कि आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करें, आप लोगों का मनोरंजन कराते रहें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट करते, मुझे प्यार और मेरा सपोर्ट करते रहना। तो यहाँ पे देखो इनके पापा जो है अभी को खिला रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चे हमारे जिद करने लगे कि मुझे अब पापा के पास जाना, पापा के पास जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है ले लो भैया इनको, और आगे एसी चल रही है ना तो भैया को थोड़ा सटीक लग रहा है, तो इसलिए वो बोले कि इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको जो है अपने पास ले लो पीछे। तो मैं बुला रही थी कि आ जाओ अभय आ जाओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर जो है मैंने कहा ठीक है एसी थोड़ी कम कर दो और रहने दो, जब वो आ ही नहीं रहा तो ज़बरदस्ती क्या करें, अभी रोना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है अभी जो है टाइम है इलाहाबाद पहुंचने में, तो हम लोग जो है रुक रुक के चल रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा रास्ते में रुक जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो क्योंकि खुद की गाड़ी है तो आराम से ही पहुंचेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो जो है अभी और जानवी जिद करने लगी चिप्स के लिए, और यहाँ पे जो है गोलगप्पे भी मिल रहे थे। तो सबने कहा चलो थोड़ा बहुत सब लोग खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सफ़र शुरू होता है। तो दोस्तों चलो हम लगाते हैं यहाँ पे म्यूजिक, और आप लोग भी देखिए हमारा वीडियो, एंजॉय कीजिए हमारे बच्चों के साथ, हम लोग के साथ, क्योंकि हम सब जो है एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो चिप्स और नमकीन लिए थे दोनों पूरा फैला दिए हैं सीट पे, और मैं बोली कि भी चाचू जो है डांटेंगे, तो भैया बोले कि रहने दो फैलाने दो, कम से कम ये लोग शांति से बैठे तो रहेंगे, नहीं तो आगे पीछे यही करते रहेंगे। तो दोस्तों चलो लगाते हैं म्यूजिक, ठीक है। गाइज अभी हम लोग जो है फाफा मॉ जो है पहुंचे हैं, बस कुछ ही देर में जो है पहुंच जाएंगे अपने रूम पे। तो यहाँ पे देखो जान भी आप लोगों को दिखा रहे हैं टेडी बियर, बोल रहे हैं कि देखो मेरा टेडी बियर देख लो आप लोग। और जब से हम लोग जो है घर से निकले हैं वहीं पीछे ही खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पीछे उनका सारा सामान है ना, खिलौना खेल रही है। अब इसके बाद आप लोगों को दिखा रही है मछली, ये मछली देखो, तकिया देखो, जानवी वही रहने दो, देखो देखो ये है मेरा बेबी दूध, देख लो भैया देखो मेरा हाँ देख लिए सबने देख लिया आपका, हाँ देख लिया भाई, आप लोगों ने देखा कि नहीं, इनके लिए ढेर सारा लाइक करना, क्यों जानवी आपके लिए ढेर सारा लाइक करेंगे ना बुआ लोग, हम लोग टीयर है आप इनके खिलौने के लिए और इनके लिए ढेर सारा। सभी लोग जो है अभी चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि रास्ते भर हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए, और घर से निकलते वक्त भी हम जो है आप लोगों से बात नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं पाए आप लोगों से थोड़ी सी बात करने का। तो हमने सोचा चलो अगर हमें रास्ते में जो है मौका मिल जाएगा थोड़ा सा ही, तो मैं आप लोगों से बात कर लूँगी, क्योंकि सुबह उठे तो वही खाना बनाना, फिर उसके बाद जो है सबको खिलाना पिलाना, और मिलेगा मैं आप लोगों से बात कर लूँगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने वाला एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और काफ़ी दिनों से आप लोग बोल भी रहे थे कि भाभी आप प्रयागराज नहीं जाने वाली है क्या, तो फाइनली आप लोगों की ही जो है विश पूरी हो गई, हम प्रयागराज कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। तो अभी तो फाफा मॉ में ही रुके हैं, और इनके पापा का कुछ काम था तो बोले कि मैं अपना काम भी कर लूँगा और वैसे चाय नाश्ता भी हो जाएगी सबकी, तो इसलिए जो है रुके हुए हैं। तो दोस्तों हमने आप लोग को बताया ना कि हम जो है फाफा मॉ में जो है रुके हुए थे, इन लोग बोले कि चलो थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, और इनके पापा का काम भी था वो काम भी कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग का सफ़र फिर चालू हो गया है, और शाम हो गई है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसे लग रहे हैं माँ बेटी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो फिर चलो लगा देते हैं म्यूजिक, क्योंकि अगर हम बातें ज़्यादा करेंगे ना तो कुछ लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाभी पूरे वीडियो में पकड़ पकड़ बक 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 करती रहती हो, तो इसलिए हम हो जाते हैं थोड़ा सा चुप और लगाते हैं म्यूजिक। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह हो गई है और कल रात हम आप लोगों से बात नहीं की क्योंकि थक भी गए थे सफ़र करते करते। फिर सोचे चलो सुबह आप लोगों से बात कर लेंगे और इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।